हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फाइनली नई वीडियो सभी का वेलकम है। और आज की दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इप्का कंपनी के QT YT Z6 क्रीम से रिलेटेड। इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्या इसके वहाँ पे किस टाइप की प्रॉब्लम में ये क्रीम यूज़ की जाती है, इससे जुड़ी हर जानकारी आज की इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो वीडियो एंड से देखिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए और हमें सपोर्ट कीजिए। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप सभी को एक्सप्लेन कर देते हैं जो इप्का कंपनी की QT YT G6 क्रीम किस लिए यूज़ की जाती है, किस टाइप की प्रॉब्लम में इसे आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये देखा जाए तो आपके टारगेट करती है आपके पिगमेंटेशन को। अगर आपको दोस्तों पिगमेंटेशन आपके फेस पर हो गया है, जैसे कि झाइयाँ हो गई हैं, तो उसमें ये क्रीम आप यूज़ कर सकते हैं। और जो कि डिले एजिंग प्रॉब्लम को भी ठीक करती है, अगर किसी पेशेंट को डिले एजिंग प्रॉब्लम है तो वो भी इसको लगा सकते हैं। और ये देखा जाए तो लाइट एंड स्पॉट्स के लिए भी यूज़ की जा सकती है, अगर किसी पेशेंट को लाइट एंड स्पॉट्स हो गए हैं तो उसमें भी ये लगा सकते हैं। साथ ही दोस्तों ये देखा जाए तो स्किन को रिप्लेनिश करती है और स्किन को रिजुवेनेट करती है। लाइक ये जैसे कि देखा जाए तो मार्क्स जैसे हो जाते हैं फेस पर, तो उसमें भी आप इस क्रीम को लगा सकते हैं। साथ ही दोस्तों ये स्पॉट्स को रिमूव करती है और जैसे कि एक स्किन ब्राइटनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। गाइस ये क्रीम आपके डार्क स्पॉट्स को भी रिड्यूस करती है। अगर आपके फेस पर डार्क स्पॉट्स हो गए जो कि वो रिमूव नहीं हो पा रहे हैं, तो उसमें भी आप इस क्रीम को लगा सकते हैं। और ये आपके एक रेडियंस को इंश्योर करती है, स्किन को ग्लोइंग बनाती है, जो कि आपके ग्लो को इंश्योर करने में भी यूज़ की जा सकती है। और स्किन टोनिंग के लिए भी आप इस क्रीम को लगा सकते हैं, और ये इवन स्किन टोन के लिए भी यूज़ की जा सकती है, क्योंकि कुछ ऐसे प्रॉब्लम में भी इस क्रीम को आप जो है इजीली लगा सकते हैं। अगर इसकी हम MRP की बात करें तो आती है 330 की, जो कि 330 रुपये की आती है, और आती है 20 ग्राम में, जो कि 20 ग्राम में आती है। नज़दीकी जो आपके एलोपैथिक फार्मेसी से वहाँ से आप इसे इजीली ले सकते हैं। हो सकता है आपको ऑनलाइन मिल जाए, ऑनलाइन से ही मंगा सकते हैं। और इसे गाइस कैसे यूज़ किया जाए अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है, तो दोस्तों इसके लिए क्या करें, इसमें आप जो है पहले अपने फेस को वॉश कर लें, और कोई भी आप फेस वॉश यूज़ करें जो कि अच्छी कंपनी का है, जो कि केमिकल फ्री है, उससे अपने फेस को वेल अच्छे से वॉश कर लें। और वो जब आपका फेस ड्राई हो जाए, सूख जाए, तो हल्की क्वांटिटी में क्रीम आपको लेना है, अपने फिंगर से अपने फेस पर लगाना है, धीरे धीरे लगाना है, जहाँ जहाँ आपका प्रॉब्लम है, पिगमेंटेशन है जो मैं आपको बताई है, तो इसकी हल्की मसाज करें और रात में यूज़ करें। और इसको आप जो है एक दिन में 1 से 2 बार यूज़ कर सकते हैं, और जो कि काफ़ी अच्छे रिजल्ट इसका आपको देखने को मिलेगा, और काफ़ी अच्छी कंपनी की ये क्रीम है। अगर इसमें इंग्रेडिएंट्स की बात की जाए तो इसमें दोस्तों देखा जाए तो ग्लाइकोलिक एसिड डाली गई है, रोमेक्स ऑक्सीडेंटलिस डाली गई है, और भी इसमें इंग्रेडिएंट डाले गए हैं जो कि काफ़ी अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट हैं, और इसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है जिसको ऐसी प्रॉब्लम है। सो दोस्तों मैंने इसकी कंप्लीट नॉलेज दे दी, तो वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर जरूर दबाइए और हमें सपोर्ट कीजिए। वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, और वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।